आज हम देखेंगे क्लास एट सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका चैप्टर नंबर 3.1 द प्लेट ऑफ गोल्ड। तो हम इसके वार्मिंग अप से शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरीज कैन बी टोल्ड इवन इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, सच पोएम्स आर कॉल्ड नरेटिव पोएम्स। नरेटिव पोएम्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो रेमेथिक पैटर्न ऑफ फिक्स रैमे स्कीम, सच पोएम आर रिटन इन अ स्टाइल कॉल फ्री वर्स। तो रिकॉल एंड नेम सम नरेटिव पोएम यू हैव डन रीड अर्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको उसका नाम लिखना है कि इसके पहले आपने कोई पोएम पढ़ी है फ्री वर्स में, तो आप 2.1 का वोकेशन पोएम है ना वो लिख सकते हैं। मैं फिर भी आपको दे देती हूँ आंसर, आपको ये एग्जाम में पूछेगा नहीं है। नेक्स्ट है, रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द गैप्स चूजिंग अप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल। तो इसके फिल इन द ब्लैंक करने हैं, इसका आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, वॉट इम्पोर्टेंट मैसेज डज द अबो पोएम कन्वे। तो इसका आंसर भी आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, हु कुड क्लेम द प्लेट ऑफ गोल्ड, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, टू होम डीड द प्रिस्ट गिव द प्लेट ऑफ गोल्ड, तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट मैजिकल अकेरेंस शॉक द पीपल, इसका भी आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, व्हाई हैड मेनी बेगर कलेक्टेड आउटसाइड द टेंपल, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पिलग्रिम टू द टेंपल सोवर कॉइन टू द बेगर्स, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट डिड दे फेल टू डू, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पुअर प्रीजन ऑफर द ब्लाइंड बेगर, तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाई हैड गॉड चोजन द सिंपल प्रीजेंट एज द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ द प्लेट ऑफ गोल्ड, आंसर आपके सामने है। अभी हमारा इंग्लिश वर्कशॉप फर्स्ट क्या है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो हमें पोएम में से ये जो दिया है ना ब्रैकेट में, उससे मीनिंग उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, हमको पोएम में से निकाल के यहाँ लिखना है।
तो इसका आंसर आपके सामने है। पहले तीन का आंसर आएगा, उसके बाद बाकी दो का। आप वन बाय वन करके आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ आंचलिक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मॉडर्न इक्विवेलेंस। आप पोएम में से निकालना है, बहुत सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड इंसर्ट देम इनटू अ फ्लो चार्ट एज पर द पोएम। तो आपको ये फ्लो चार्ट में और प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने इसका आंसर दो भाग में डिवाइड किया है और लाइन टू लाइन दिया है, तो आप देख लेना। विच टू सेइंग अबाउट गॉड आर कन्वे थ्रू द पोएम द प्लेट ऑफ गोल्ड। तो हमको दो सेइंग्स लिखना है, क्या कहा गया है गॉड के बारे में। तो इसका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, बट द प्लीजेंट बो एंड प्रे टू गॉड वॉट कुड ही हैव प्रे फॉर। तो इसका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ वन, इमेजिन दैट यू आर अ प्रेजेंट कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड After having received the plate of gold, write it using stylish handwriting। इसका आंसर भी आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, रीड द अदर पोएम बाय ली हान स्पेशली वो बैन एथेम। कंपेयर द मैसेज इन दैट पोएम विद दोस इन द प्लेट ऑफ गोल्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, ये पोएम आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ये जो प्लेट ऑफ गोल्ड है, इससे क्या कंपैरिजन किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है।